क्या आप जानते हैं कि मियां खलीफा के चश्मे का प्राइस कितना होगा? और ये सारे लोग मिलकर ट्रेन को धक्का क्यों मार रहे हैं? और जापान में लिफ्ट में नंबर 3 के बाद नंबर 5 आता है, पर नंबर 4 क्यों नहीं आता? और क्या आप जानते हैं कि IPL में यूज होने वाले स्टंप का प्राइस कितना होता है? इस वीडियो में आपको ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट देखने को मिलेंगे, बने रहे अंत तक। नंबर 12, जापान का हर व्यक्ति अपने और अपने देश के एजुकेशन को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस रहता है। इस बात का अंदाज़ा आप इसी चीज़ से लगा सकते हैं कि एक बार जापान में एक ट्रेन स्टेशन को बंद करने का सोचा। ऐसा इसलिए क्योंकि उस ट्रेन स्टेशन पर ज़्यादा एक्टिविटी नहीं होती थी और लोग भी नहीं आते थे, पर उन्होंने देखा कि उस स्टेशन पर डेली एक लड़की ट्रेन पकड़ कर स्कूल जाती थी। तो वहाँ की गवर्नमेंट ने यह फैसला लिया कि जब तक इस लड़की की पढ़ाई पूरी नहीं हो जाती, ये स्टेशन चालू रहेगा। नंबर 11, स्पाइडरमैन का वो सीन जिसमें स्पाइडरमैन अपनी गर्लफ्रेंड के साथ उसके गिरते हुए फूड को कैच करता है, इस सीन को परफेक्टली शूट करने के लिए 156 टाइम शूट किया गया था। नंबर 10, क्या आप मियां खलीफा को जानते हो? तो ये भी जानते होगे कि मियां खलीफा जितनी फेमस है उतना ही फेमस उनका चश्मा भी है। तो एक बार बॉम्ब ब्लास्ट पीड़ितों के लिए मियां खलीफा ने अपने चश्मे की नीलामी लगा दी थी और उनका चश्मा $1,00,000 का बिका था, इंडियन रुपीज के हिसाब से कुछ 74 लाख रुपए, और उन्होंने ये सारा पैसा बॉम्ब ब्लास्ट पीड़ितों को दान में दे दिया था। नंबर 9, ओशियन सनफिश का साइज कुछ इतना होता है जैसा कि आप फोटो में देख रहे हैं, पर क्या आप जानते हैं जब ये पैदा होता है तो इसका साइज कितना होता है? तो ये देखो, जब ओशियन सनफिश पैदा होती है तो वो इतनी ज़्यादा छोटी होती है कि आपकी उंगली के टिप पर भी आ जाएगी। नंबर 8, अक्सर आपको लोन और क्रेडिट कार्ड के लिए बहुत सारे फ़ोन आते होंगे जिससे आप बहुत ज़्यादा परेशान भी होंगे। तो एक आदमी था जिसका नाम था ली बिनमाउंट, उस पर भी ऐसे ही लोन और क्रेडिट कार्ड के लिए टेलीमार्केटिंग की साइट से बहुत सारे कॉल आते थे और वो इन कॉल से बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था, जिसके बाद उसने अपना नंबर प्राइवेट नंबर में रजिस्टर करवा लिया। और अब जब भी उसके पास क्रेडिट कार्ड या मार्केटिंग वालों के फ़ोन आते हैं तो उसमें वो कमीशन लेता है, जिससे वो हर महीने 28,000 रुपये कमा लेता है। नंबर 7, अक्सर आपने कार, बाइक, बस और यहाँ तक कि ट्रक को भी धक्का लगाते हुए लोगों को देखा होगा, पर क्या आपने ट्रेन को धक्का लगाते हुए लोगों को देखा है? तो एक बार मध्य प्रदेश में 12 जून 2015 में ट्रेन का एक इंजन ओवरहीट की वजह से रुक गया था। उसके एक घंटे बाद भी लोगों ने देखा कि मदद के लिए कुछ भी नहीं किया जा रहा है, तो लोगों ने खुद ट्रेन को धक्का लगाया और ट्रेन को स्टार्ट किया। नंबर 6, आपने अगर साउथ की अपरिचित मूवी देखी होगी तो उसमें आपने देखा होगा कि हीरो को एक दिमागी बीमारी होती है जिसे मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर कहते हैं। इसमें एक इंसान के अंदर काफी सारे लोग रहते हैं। ऐसे ही बिली मिलगम, इसने काफी सारे क्राइम किए जिसके बाद इसे जेल ले जाया गया और वहां से फिर इसे हॉस्पिटल ले जाया गया। तो डॉक्टर ने ये पता लगाया कि इसे मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है और इसके अंदर 10 पर्सनैलिटी रह रही हैं। फिर डॉक्टर ने बारीकी से ऑब्जर्व करके ये बताया कि इसके अंदर 10 नहीं 24 पर्सनैलिटी हैं, जिसमें से इसके अंदर एक लड़की भी है, और हर पर्सनैलिटी का बोलने का तरीका, चलने फिरने, उठने बैठने का तरीका एक दूसरे से बिल्कुल ही अलग था, और यहां तक कि कईयों की तो लैंग्वेज भी अलग थी। नंबर 5, अक्सर आपने देखा होगा कि कई लोग पानी में सिक्का फेंक कर अपनी विश मांगते हैं, पर आप जापान के 1 येन के सिक्के के साथ ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि ये पानी में डूबता ही नहीं है। जापान का 1 येन का सिक्का इतना हल्का होता है कि ठहरे हुए पानी में डूबता ही नहीं है। नंबर 4, क्या आप जानते हैं हैरी पॉटर मूवी का वो सीन जहां सारे बच्चे एक साथ पढ़ रहे हैं? पर मैं आपको बता दूं, इस मूवी के इन सीन्स में भी बच्चे असल में अपने स्कूल का होमवर्क कर रहे हैं, क्योंकि मूवी का शूटिंग टाइम कुछ इस तरह था कि बच्चे अपने स्कूल का होमवर्क नहीं कर पाते थे तो शूटिंग टाइम पे ही अपना स्कूल का होमवर्क करते थे। नंबर 3, क्या आप जानते हैं कि जब भी कोई अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष से वापस आता है तो उसकी हाइट 2 इंच बढ़ जाती है? ऐसा इसलिए क्योंकि हमारी रीढ़ की हड्डी बहुत ज़्यादा लचीली होती है, पर गुरुत्वाकर्षण की वजह से इस पर दबाव बना रहता है, पर जब भी कोई अंतरिक्ष में जाता है तो रीढ़ की हड्डी पर किसी तरह का दबाव नहीं होता, जिसकी वजह से ये 2 इंच तक बढ़ जाती है, पर जब भी वो वापस धरती पर आता है तो 2 दिन बाद वो नॉर्मल साइज ले लेती है। नंबर 2, क्या आप जानते हैं कि जापान में नंबर 4 को बहुत ज़्यादा अशुभ माना जाता है? वो लोग नंबर 4 को इतना ज़्यादा अशुभ मानते हैं कि कई होटलों और कई लिफ्ट में नंबर 4 होता ही नहीं है। होटल में भी 3rd फ्लोर के बाद डायरेक्ट 5th फ्लोर आता है, और होटल में रूम नंबर 4 होता ही नहीं है, रूम नंबर 3 के बाद रूम नंबर 5। नंबर 1, जब जब कोई IPL मैच देखता है तो उसके दिमाग में हमेशा एक बात जरूर आती होगी कि IPL में जो LED स्टंप है इसका प्राइस कितना होता है। IPL में यूज होने वाले LED स्टंप का प्राइस 45 लाख रुपए होता है, और ये जो LED स्टंप होते हैं इनका सेंसर इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि ये किसी भी एक्टिविटी को 1 सेकंड के 1000वें हिस्से में ही कैच करके LED को जलाने लग जाते हैं। मतलब अगर इसके आसपास से बॉल निकलेगी तो ये 1 सेकंड के 1000वें हिस्से तक के कम टाइम में उसका पता लगा लेगा और इसके अंदर लगे LED बल्ब जलने लगेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।